कमजोर तो किसी को माफ नहीं करते, वो ऐसी बात कहा करते थे। अपनी गलती को मानकर वो हमेशा सफाई और सच की बात किया करते थे। बदलते तो बहुत से लोग हैं कामयाब होने के लिए, पर वो तो खुद में बदलाव लाकर दुनिया को बदलने की बात किया करते थे। वो सच की ऐसी मूरत थे जिनकी बुलंदी अजीम शान, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर उसने बनाई अपनी एक पहचान। जिसने दी प्यार की शिक्षा, वही तो फादर ऑफ हिंदुस्तान। यूं तो महात्मा गांधी जी के बारे में आपने बचपन से बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको उनके कामों के बारे में बताऊंगा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और गांधी जी के पिता का नाम दीवान करमचंद गांधी था। 1888 में गांधी जी लंदन चले गए और वहाँ की लंदन यूनिवर्सिटी से गांधी जी ने लॉयर की डिग्री प्राप्त की। लॉयर की डिग्री 1888 में गांधी जी ने प्राप्त की। उसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। 1893 में साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाले भेदभाव यानी गोरे काले के फर्क को खत्म किया और 1906 में पहली बार उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। उसके बाद 1908 में पहली बार गांधी जी जेल गए। उसके बाद 1917 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना होने के बाद 1918 में उन्होंने अपना पेपर चालू किया जिसका नाम यंग इंडिया था। उसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा भी की और फिर 1932 में गांधी जी ने हरिजन समाज की स्थापना की। उसके बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा दिया और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हो गया।